सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप मसालों का होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप मसालों का होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सस्ते से सस्ते दाम में आप मसाले कहाँ से खरीद सकते हैं, इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट और कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, वे बड़े होलसेलर अच्छा मुनाफा कैसे कमाते हैं। दोस्तों, मसालों का बिजनेस बहुत ही सरल बिजनेस है, इसे आप कहीं भी किसी भी शहर में शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने चलता रहता है और हर घर में आपको इसके कस्टमर मिल जाएंगे, क्योंकि हर घर में हल्दी, मिर्ची, धनिया, गर्म मसाला यूज किए जाते हैं। इसलिए आप कहीं भी रहते हैं और किसी भी राज्य में आप आसानी से इस काम को शुरू कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इस कार्य को 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 10 लाख से भी। इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप कितने रुपए से स्टार्ट करना चाहते हैं और कितना बड़ा काम करना चाहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मसालों का बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। मसालों का व्यवसाय आप 3 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका, आप किसी भी नामचीन कंपनी की डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूशनशिप या एजेंसी लेकर शुरुआत कर सकते हैं। जैसे भारत की बात करें तो यहाँ पर MDH, एवरेस्ट, कैच, राजेश मसाले, गोल्डी मसाले आदि काफ़ी पॉपुलर कंपनी हैं। आप किसी भी कंपनी की डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका है खुद का ब्रांड बनवाकर। आप खुद का ब्रांड मतलब आप अपने नाम से, जैसे मेरा नाम है शौर्य, मैं क्या करूँगा कि मैं अपने नाम से पोस्टर, पैकेजिंग रैपर, पैकेजिंग पाउच वगैरह बनवाऊँगा और उसके अंदर मसाला मैन्युफैक्चरिंग से पैकेजिंग करा के अपना ब्रांड लॉन्च कर सकता हूँ। और तीसरा तरीका है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के। अगर आप नए हैं, नए बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरी राय रहेगी कि आप ट्रेडिंग से ही शुरुआत कीजिएगा, चाहे रिटेल हो या होलसेल हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आपको एक पूरा सेटअप लगाना होगा और शुरुआत में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में लग जाएंगे तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेलिंग में दिक्कत आ सकती है। हाँ, अगर आप 1-2 साल से सेल्स और मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप आसानी से मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप सबसे सस्ते दाम में मसाले कहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों, मसालों में ऐसा नहीं है कि आप किसी भी शहर से सारे मसाले खरीदें तो वो सस्ता पड़ेगा। जैसे हल्दी की बात करें तो हल्दी की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ हल्दी की सबसे ज़्यादा फसल होती है, और जहाँ ज़्यादा फसल होती है वहाँ से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको सस्ते दाम में प्रोडक्ट मिलेंगे। इसलिए आप हल्दी के लिए इन 3 राज्यों की मिलों या प्रोसेसिंग हाउस से संपर्क करके खरीद सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करें मिर्ची की, तो मिर्ची की सबसे बड़ी मंडी है आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। तो दोस्तों, मसालों का क्या होता है कि कोई मसाला किसी राज्य में सस्ता मिलता है और कोई मसाला किसी और राज्य में। मेरी आपसे राय रहेगी कि आप समय निकाल कर कुछ जगह घूम के आएँ, ताकि आपको होलसेल, रिटेल व ट्रेडिंग वगैरह की संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर बात करें मुनाफे की, तो आप इसमें छोटे पैकेट्स बनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल्स छोटे पैकेट्स की होती है, जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम। इसमें अलग अलग कंपनी अलग अलग मार्जिन देती है, जैसे कुछ कंपनी 5% भी देती है, कुछ कंपनी 15-20% भी देती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी है। सामान्यतः यह बिजनेस 10-20% का है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।